भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है। मेरठ की अगर बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा और जो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 28 मार्च से शुरू हो जाएगी, जिसका आखिरी तारीख नॉमिनेशन की रहेगी वो 4 अप्रैल रहेगी और नॉमिनेशन विड्रॉल अगर किसी को करना होगा तो उसकी तारीख 8 अप्रैल रहेगी। इसके बाद जो काउंटिंग की जाएगी वो 4 जून की काउंटिंग है। 26 अप्रैल को सब अपना मत का प्रयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और इसी तैयारी की कड़ी में करीब 26,72,068 वोट हैं जो मेरठ जिला प्रशासन ने आंकड़ा दिया है उसमें साझा किया है और इसी तरीके से करीब जो महिलाओं के वोट हैं वो भी 12,00,000 से ज्यादा वोट है और इसी कड़ी में अगर बात करें तो कई संवेदनशील बूथों पर नजर रखी जाएगी और अगर बात करें तो 90,000 से ज्यादा ऐसे नाम भी हैं इसमें जो पिछले चुनावों में वोट बने हुए थे और किसी के रिपीट हो रहे थे, कोई गलत वोट था, वो वोट 90,000 काटे गए हैं। 6 एक्सपेंडिचर सेंसिटिव विधानसभा को चिन्हित किया गया है जिसमें से हस्तिनापुर विधानसभा नहीं लगाई गई है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 7 विधानसभा लगती हैं, हस्तिनापुर के अलावा 6 विधानसभा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव विधानसभा बनाई गई है। अगर इसमें शिकायत पाई जाती है किसी भी तरीके की, कहीं पर अगर प्रत्याशी पैसे बांटते हुए मिले या अन्य प्रक्रिया जो चुनावी दौर में नहीं की जाती है जिसका उल्लंघन अगर किया जाता है नियम कानून का, तो वहां पर फ्लाइंग स्क्वाड नजर रखेगी। शिकायत मिलने पर 1 घंटे तक का समय होगा कि फ्लाइंग स्क्वाड को वहां पर जाकर नजर बनानी होगी। इसी तरीके की 6 फ्लाइंग स्क्वाड हर विधानसभा पर लगाई गई है। अगर पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो 2758 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें से 609 क्रिटिकल पोलिंग बूथ है और 78 वर्नेबल पॉपुलेशन में से ये बूथ भी चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद अगर मतदान को पूरी निष्पक्षता से कराने की अगर बात करें तो उसकी भी तैयारियां पूरी की गई है। यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली गई है, बैठक हुई है और उनको हर तरीके की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। पोलिंग स्टेशन पर बाकायदा मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, आरओ वहां पर मौजूद रहेंगे और सीसीटीवी की निगरानी में पूरा चुनाव मतदान किया जाएगा। सर्विलांस वीडियो सर्विलांस सेल्स अगर अलग बनाया गया है, आईटी इनकम टैक्स जिसे कहा जाता है, जीएसटी, नारकोटिक्स, इन सबको ऑन बोर्ड कर लिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कोताही ना बरती जाए। ईवीएम पर यूनिक नंबर की बात बताई गई है जो स्कैंड होता है, ईवीएम को ट्रैक लगातार किया जाएगा और खास तौर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अगर अफवाह फैलनी शुरू होती है तो जंगल में आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया पर सख्ती रखी जाएगी और जिला अधिकारी दीपक मीणा के, जो मेरठ के जिला अधिकारी हैं, उनके साफ निर्देश है अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह फैलाने का काम करता है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा जा सकता है और आईटी एक्ट के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। 85 साल के ऊपर के जितने भी मत करने का प्रयोग करना चाहते हैं, मतदान करना चाहते हैं, मतदाताओं के लिए स्पेशल फॉर्म डी का हवाला देते हुए उनके वोट घर पर जाकर लिए जा सकते हैं। इसमें सिर्फ ओल्ड एज पीपल ही नहीं बल्कि वो लोग भी रहेंगे जो किसी तरीके से बीमारी से ग्रस्त है, दिव्यांग जन है, उनका भी वोट घर जाके लिया जा सकता है। इन सभी चीजों की तैयारी कर ली गई है। अगर बात करें मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की, तो अभी तक सिर्फ जो सामने नाम ऑफिशियली निकल के आया है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी का है, भानु प्रताप सिंह का। अभी बीजेपी और अन्य पार्टी के ऑफिशियल घोषणा नहीं हो पाई है जो प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अगर बात की जाएगी निष्पक्ष चुनाव की तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसके लिए पूरा तैयार है और कई ऐसे भी
लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका इतिहास चुनाव के समय खराब रहा है, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कई लोगों की केस हिस्ट्री खोली जा रही है और जो जिला बदर करने की कार्रवाई है वो भी जल्द की जाएगी। पुलिस फोर्स अलग से डिप्लॉय की जाएगी और किसी भी तरीके की कोई भी कताई नहीं बरती जाएगी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।